हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक प्ले फेड्रा, जिसे कि लिखा है फ्रेंच ड्रामाटिस्ट यॉन ड्रेसिन ने, और ये प्ले ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। इसके कई वर्जन्स मिलते हैं, जैसे कि हिप्पोलिटस बाय यूरिपिड्स एंड फेड्रा बाय सेनेका, एंड ये प्ले भी इन्हीं की अडेप्टेशन है। इसे 1677 में पब्लिश किया गया था एंड ये 5 एक्ट्स में लिखा हुआ है। ड्रेसिन प्राइमरली अपनी क्लासिकल ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं एंड ये भी उन्हीं में से एक है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी सेटिंग रखी गई है ट्रोजन की, जो कि एथेंस की कैपिटल होती है, एंड एथेंस का किंग होता है थीसियस। तो इसके फर्स्ट एक्ट में हमें ये बताया गया कि थीसियस अराउंड 6 मंथ से कहीं गायब है एंड उसका सन हिप्पोलिटस ये डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए ट्रोजन छोड़ के जाएगा। लेकिन उसका रियल इंटेंशन कुछ और है, जो कि वो अपने ट्यूटर थेरामिनिस को बताता है। असल में वो आरिकिया नाम की एक वूमन से बहुत प्यार करता है, बट थीसियस ने उसे उसके साथ शादी करने के लिए मना किया है। तो अपने फादर का ऑनर रखने के लिए वो ट्रोजन छोड़ के ही जा रहा है। किंग थीसियस की वाइफ होती है फेड्रा, लेकिन हिप्पोलिटस उसका रियल सन नहीं होता, बल्कि अमेज़न्स की क्वीन एंटीओप का सन होता है, यानी कि वो उसका स्टेप सन है। किंग थीसियस की एब्सेंस के दौरान फेड्रा के अंदर हिप्पोलिटस के लिए फीलिंग्स अराइज हो जाती हैं एंड ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उसे कम्प्लीटली ओवरपावर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती, और इस ओवरवेलमिंग पैशन के कारण डे बाय डे उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होती जा रही है। लेकिन जब थीसियस के डेथ की न्यूज़ आ जाती है, तो वो अपनी नर्स इनोन को सब कुछ बता देती है। इनोन तो उसे यही समझाती है कि अगर तो वो ऐसा कोई स्टेप उठाएगी तो उससे उसकी बदनामी होगी, एंड मोर ओवर वो अपने सन के बारे में सोचे, जो कि अभी इन्फेंट है। सेकेंड एक्ट में हमें बताया गया है कि आरिकिया भी अपनी सर्वेंट इस्मीन के सामने हिप्पोलिटस को लेके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। उनकी डिस्कशन इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि हिप्पोलिटस भी वहाँ पे पहुँच जाता है एंड वो भी उसे लेकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। और बाद में वहाँ पे फेड्रा भी आती है। वो आई तो वहाँ पे अपने सन के राइट्स की बात करने के लिए होती है कि वो हिप्पोलिटस से उसका हक मांगेगी, लेकिन उसे देख के वो कंट्रोल नहीं कर पाती एंड अपने पैशनेट लव के बारे में उसे बता बैठती है। उसका रेवलेशन सुन के वो तो बहुत शॉक्ड रह जाता है, और फेड्रा को भी बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है कि उसने ये क्या बोल दिया। अब उसे डर भी लग रहा है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। तो वो हिप्पोलिटस की स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चली जाती है कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगी। उसके जाने के बाद वहाँ पे थेरामिनिस आता है, जो कि उसे बताता है कि शायद किंग थीसियस अभी भी ज़िंदा है। तो हिप्पोलिटस ये डिसाइड करता है कि वो इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, और साथ ही फेड्रा के क्लेम को भी, जो कि उसने अपने सन के लिए किया है कि थ्रोन पे उसका हक है। अब फेड्रा बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रही है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हिप्पोलिटस किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो वो उसे शांत करने के लिए उसे क्राउन शेयर करने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन इनोन उसके लिए एक बैड न्यूज़ लेके आती है कि थीसियस सही सलामत एथेंस लौट आया है, और ये सुन के तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है कि अगर हिप्पोलिटस ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। और इसीलिए वो इनोन से कहती है कि वो मरने की इच्छा रखती है, यानी कि वो सुसाइड कमिट करना चाहती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो फेस नहीं करना चाहती, लेकिन इनोन उसे इस तरह से मरने नहीं दे सकती। तो वो उसे कहती है कि हिप्पोलिटस की तलवार, जो कि क्वीन फेड्रा अपने साथ ले आई थी, इस पर कोई स्टोरी बना दी जाए तो सारा ब्लेम हिप्पोलिटस पे आ सकता है। तो क्वीन भी उसे अप्रूवल दे देती है कि वो जो करना चाहे कर ले, बस उसे इनोसेंट प्रूव कर दे, क्योंकि उसे भी पता है कि थीसियस हिप्पोलिटस पे ट्रस्ट करता है एंड वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई सब्सटैंशियल प्रूफ ना हो। और जब थीसियस लौट के वापस आता है तो उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसका वार्म वेलकम नहीं हुआ होता, ना ही तो उसकी वाइफ की तरफ से और ना ही उसके सन हिप्पोलिटस की तरफ से। तो फोर्थ एक्ट में हमें ये बताया गया है कि इनोन किंग थीसियस से मिलके उसे ये बताती है कि हिप्पोलिटस ने फेड्रा को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। पहले तो उसे उसकी बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन वो उसकी तलवार को एज अ प्रूफ दिखाती है।
इसे देख के तो वो गुस्से से पूरा भर जाता है एंड और अपने फादर नेपच्यून को इवोक करता है, जिसने कि उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी एक विश ज़रूर फुलफिल करेगा। एंड अब वो हिप्पोलिटस का मर्डर करके उसे रिवेंज लेना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए हिप्पोलिटस अपने फादर को ये बता देता है कि वो तो अरिकिया से लव करता है एंड अपनी स्टेप मदर के बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन थीसियस उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। और दूसरी तरफ फेड्रा अब और भी ज़्यादा डेस्पिरेट होती जा रही है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा है कि हिप्पोलिटस इनोसेंट है, उसे बस जानबूझ के फंसाया जा रहा है एंड वो किंग थीसियस को सब कुछ रिवील करने ही वाली होती है कि उसे ये पता चल जाता है कि हिप्पोलिटस अरिकिया को लव करता है और वो वहीं पर रुक जाती है। उसे हिप्पोलिटस पर गुस्सा था कि उसे छोड़ के उसने किसी दूसरी वुमन को पसंद किया। फेड्रा को ओनीन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब उसका ही प्लान था। अगर तो वो ये सब प्लानिंग ना करती तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी ना होती एंड वो गुस्से में उसे बैनिश कर देती है। इसके लास्ट एक्ट में हमें ये बताया गया है कि हिप्पोलिटस डिसाइड करता है कि वो अरिकिया से शादी करेगा एंड उसे वो ट्रोजन के बाहर एक टेम्पल में मिलने के लिए भी कहता है। एंड जब ये बात किंग थीसियस को पता चलती है, वो सोचता है कि ये तो इसके लिए लॉयल है, तो फिर उसके अगेंस्ट लगे चार्जेस भी बेसलेस हो सकते हैं एंड वो इनोसेंट हो सकता है। और ये सब बातें क्लियर करने के लिए वो ओनीन को बुलाता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि उसने तो सुसाइड कमिट कर ली। इसके बाद अदर डिवास्टेटिंग न्यूज़ उसे ये मिलती है कि हिप्पोलिटस की भी डेथ हो जाती है सी मॉन्स्टर द्वारा एंड फेड्रा भी सुसाइड कमिट कर लेती है जहर कंज्यूम करके। लेकिन अपनी डेथ से पहले वो सबको सच बता के हिप्पोलिटस को इनोसेंट प्रूव कर देती है। अब किंग थीसियस को भी गिल्ट फील हो रहा है कि वो असलियत क्यों नहीं जान सका एंड रिपेंट करने के लिए वो अरिकिया को एज अ डॉटर अडॉप्ट कर लेता है। और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है।